all are fine at home. So once again, welcome to all of you in your maths class. Today we are going to start our term 2 syllabus. This is our syllabus. First we cover all the pen paper chapters. These are our pen paper chapters, and then subject enrichment chapter, and then last activity chapter. Okay, so today we are going to start our first pen paper chapter, that is unitary method. So open your maths book and let's get started. Students, on the page number 209, chapter number 13, and the name of our chapter is unitary method. Hum is chapter mein multiplication and division in dono pe based sums ko solve karenge. Unitary method sirf aapko introduction aur basic sums ko solve karna hai. Aapko deeply mein ye chapter nahi padhna hai. Bahut hi short chapter hai ye. So is chapter mein kuch rules hain, two basic rules jo ki hame learn rakhna hai. Number one is to get more value. Jab hame jyada value find out karni ho to hum hamesha multiplication karenge, always. And for less value, जब हमें कम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तब हम डिविजन के प्रोसेस को करते हैं. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन चैप्टर. जब हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको किस वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन करना है और किस में डिविजन. जब भी क्वेश्चन में किसी भी एक चीज का प्राइस गिवन हो और आपको कई सारी चीजों का प्राइस फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको मोर वैल्यू फाइंड आउट करना है, कई सारी चीजों का फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. तब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं. और जब भी क्वेश्चन में कई सारी चीजों का प्राइस गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि किसी एक का प्राइस क्या होगा, तो जब आपको लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है देन यू हैव टू ऑलवेज डू division. So students, open page number 212, exercise number 55. We take question number 1. First thing is, exercise se pehle aapki book mein jitne bhi solved examples hain, you have to practice those sums in your rough copy or practice copy. Aap un solved examples ko padhoge, read karoge aur unhe practice karoge. Okay, so first we take question number 1. Listen the question carefully. The cost of one bicycle is rupees 1475. Find the cost of 23 bicycles. Okay? अभी हमने क्या रूल पढ़ा है? जब भी आपको मोर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यू ऑलवेज डू मल्टीप्लीकेशन. आप मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को करोगे. यू हैव टू राइट दी सेंटेंसेस एंड सॉल्व दी सम्स वेरी प्रॉपरली. आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करोगे विदाउट किसी स्टेटमेंट के. आपको क्वेश्चन से स्टेटमेंट को लिखना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ 1 बाइसाइकिल, जो कि गिवन है हमें रुपीस 1475. कॉस्ट ऑफ 23 बाइसाइकिल्स हमें कैसे मिलेगा, क्या कॉस्ट होगा रुपीस. ओके, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1475 मल्टीप्लाइड बाय 23. जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा 23 बाइसाइकल्स का क्या कॉस्ट है. नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इन योर कॉपी इन फ्रंट. आप इसे कॉपी में करके शो करेंगे. यू डोंट नीड टू राइट आंसर्स डायरेक्टली. ओके, रुपीज 1475, राइट द डिजिट्स इन वन स्क्वायर बॉक्स प्रॉपरली. हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 23 से. साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑलवेज. नाउ हम सबको मल्टीप्लीकेशन आता है. यू हैव टू लर्न द टेबल 2 टू 20. एटलीस्ट आपको 2 से 10 तक का टेबल विदाउट किसी मिस्टेक लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आपके मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑलवेज रॉन्ग होंगे. नाउ 3 5s are 15, 5 carry 1, 3 7s are 21, 21 plus 1 22, 2 carry 2, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 4 carry 1, 3 1s are 3, 3 plus carry 1 4. ओके, लिख दिया हमने 3 से मल्टीप्लीकेशन किया पहले सारे डिजिट में.
ओके नाउ अब हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या करते हैं, वंस के डिजिट के नीचे क्रॉस करते हैं, ये हमें लर्न रखना है. नाउ 2 5 10 0 कैरी 1, 2 7 14 14 प्लस कैरी 1 15, 5 कैरी 1, 2 4 8 8 प्लस कैरी 1 9 एंड 2 1 2. We always write digits in particular column only. अगर आपने कॉलम आगे पीछे किया तो आपका अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा एंड देन आपके एडिशन के बाद रिजल्ट रॉन्ग आएगा. कई स्टूडेंट यहीं पे बेटा कंप्लीट कर देते हैं. नो, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा फाइनल आंसर हमें नहीं मिला है. यू हैव टू डू एडिशन. ओके नाउ 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 9 13, 3 कैरी 1 एंड 2 प्लस कैरी 1 3 एंड लास्ट में हम रुपीस के सिंबल को लगाएंगे. हमें क्या आंसर मिला, 1s 10s 100s 1000s 10000, 33,925 रुपीस इज द कॉस्ट ऑफ 23 बाइसाइकल्स. आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 23 bicycles are rupees 33,925. Now the next question is question number 6. Listen the question carefully. 3 planes can carry 1,185 passengers. How many passengers can be carried in 8 planes? ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है. थ्री प्लेन में 1185 पैसेंजर्स जाते हैं या जा रहे हैं, कैरी करते हैं. थ्री प्लेन्स, इतने पैसेंजर. तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड इन 8 प्लेन्स. तो फिर 8 प्लेन्स में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स जा सकते हैं? आपको लग रहा है कि आप इसमें 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे. नो, बट हम इस तरीके से इसे नहीं करेंगे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा. आपको गिवन है कि 3 प्लेन्स में इतने पैसेंजर जाते हैं, 8 प्लेन्स में कितने जाएंगे. आप पहले 1 प्लेन में कितने पैसेंजर जाते हैं इसको फाइंड आउट करोगे, देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसे आप 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे. ओके, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी राइट दी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय 3 प्लेन्स. 3 प्लेन में कितने पैसेंजर जा रहे हैं, 1185, या हम इसे पढ़ें 1185, बोथ आर सेम. 3 प्लेन्स में इतने पैसेंजर हैं, तो 1 प्लेन में कितने पैसेंजर होंगे, हमें फ्यू वैल्यू, लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन वी डू डिविजन. नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय 1 प्लेन कैसे मिलेगा हमें, 1185 को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3. ओके, क्योंकि हमें 3 गिवन है, हम इसे डिवाइड करें तब हमें मिलेगा कि 1 प्लेन में कितने पैसेंजर जा रहे हैं. सो वी डू द प्रोसेस ऑफ डिविजन इन आवर कॉपी प्रॉपरली एंड नीट एंड क्लीन. 1185 डिवाइडेड बाय 3. पे अटेंशन ऑन डिजिट्स. आप डिजिट्स बेटा चेंज कर देते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होता है आपका डिजिट चेंज हो जाता है आपकी कॉपी में. 3 का टेबल अब हम पढ़ेंगे. 3 3 9, 3 4 12, 12 इज ग्रेटर, इसलिए 3 3 9. 11 minus 9, वॉट वी गेट, वी गेट 2. 3 के टेबल में 2 नहीं मिलेगा हमें, इसलिए हम अपने सेकेंड डिजिट को लिखेंगे ऊपर से 8. नाउ 3 9 are 27. Subtraction again, 8 minus 7 1, 2 minus 2 0. 3 के टेबल में 1 हमें नहीं मिलेगा. नाउ 5. अब 3 5 are 15. 15 minus 15 0. ओके, आपको केयरफुल होके सॉल्व करना है. आपको ऑलवेज रिमाइंडर 0 मिलेगा. आपको कोशेंट जो नंबर मिलेगा वो आपका आंसर होगा डिविजन को करने पे. तो हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड बाय 1 प्लेन. 1 प्लेन में कितने पैसेंजर जा रहे हैं, 395 पैसेंजर जा रहे हैं 1 प्लेन में.
अब आप फाइंड आउट करोगे कि एक प्लेन में कितने पैसेंजर जाएंगे। ओके, क्या है कि वन प्लेन में कितने पैसेंजर कैरी हो रहे हैं? 395। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरी बाय वन प्लेन। वन प्लेन में 395 पैसेंजर हैं, देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरी बाय एट प्लेन्स। एट प्लेन्स में कितने पैसेंजर होंगे? 395 मल्टीप्लाइड बाय एट। अब हम मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को करेंगे। 395 मल्टीप्लाइड बाय 8, मल्टीप्लीकेशन का साइन, ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 73, 74, 75, 76, 6 कैरी 7, 8 3 जा 24 एंड 24 प्लस 7 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, and the final answer is 3160. आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, the number of passengers carried by 8 planes are 3160. This is the way to find out the final answer. आप दोनों स्टेप को प्रॉपरली सॉल्व करोगे तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अगर आपने एक स्टेप करके छोड़ दिया तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा आपका क्वेश्चन। ओके, so do the given sums in your homework copy very carefully and do the given classwork notes in your classwork copy. First you mention the given syllabus of term 2 in your maths classwork copy, then on next fresh page mention the chapter name, chapter number, date, and then do the given classwork notes in your copy with a neat and clean handwriting. Thank you.